Assalamualaikum everyone, this is Mihra Sumro और आज आपके लिए बहुत important खबर लाई हूँ। समझ सकती हूँ कि आप सबके लिए कितना मुश्किल है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सब्र और तहमुल से काम लेना पड़ेगा। सीरियल तेरे बिन में मीरव की हर गलती को माफ कर देने वाला मुर्तसिम, मीरव की हर छोटी से छोटी ख्वाहिश का ख्याल कर देने वाला मुर्तसिम, उसकी खातिर मछली खाने वाला मुर्तसिम, अपनी माँ और पूरे घर वालों के खिलाफ खड़ा होने वाला मुर्तसिम, आखिर इतना टॉक्सिक कैसे हो सकता है? मुर्तसिम जो कि मीरव की हर खुशी का ख्याल रखता है, वो आखिर इतना संगदिल कैसे हो सकता है कि उसकी मर्जी के बगैर उसको इस्तेमाल करे? इनके फैंस ने जब हीरा सोमरो से यही सवाल पूछा कि आप हमें इसकी वजह बताइए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आने वाले प्रोमो को देखकर हम जहनी मरीज हो चुके हैं, तेरे बिन के फैंस ने ड्रामा सीरियल तेरे बिन के तमाम कैरेक्टर को अलग अलग मैसेजेस किए, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जिसके बाद हीरा सोमरो जो कि ड्रामा सीरियल तेरे बिन में मुर्तसिम की बहन यानी मरियम का किरदार अदा कर रही है, फिर उन्होंने अपने फैंस का जवाब दिया। अगर आप भी तेरे बिन के फैंस हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी उलझन भी काफी हद तक सुलझ जाएगी। इनके एक फैन ने हीरा सोमरो को पर्सनली मैसेज किया और कहा कि मेरा ये सवाल पूरे पाकिस्तान की तरफ से है, आखिर मुर्तसिम और मीरव का इतना प्यारा कबल आप लोगों ने इस तरह से कैसे तबाह कर दिया? हम लोग बहुत जहनी अजियत का शिकार हो गए हैं ये प्रोमो देखने के बाद, हमें प्लीज इस तकलीफ से निकालें और बताएं कि मुर्तसिम ने इस तरह से क्यों किया। इसके बाद हीरा सोमरो ने कहा कि मेरी हमदर्दी उन सब लोगों के साथ है जो इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, और जितने भी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं वो कभी भी आगे नहीं चल सकते। अब हीरा सोमरो ने मजीद कहा कि मैं खुद भी परेशान हूँ कि मेरे भाई की जिंदगी में क्या हो रहा है। सोमरो ने मजीद बताया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत हर पल जियो वालों के साथ जुड़ी हुई हूं कि मैं क्लाइमेक्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन तेरे बिन की आने वाली एक साथ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। लोगों ने हीरा सोमरो से कहा कि हम आने वाली कोई भी एपिसोड नहीं देखेंगे, जिसके बाद हीरा सोमरो ने कहा कि आने वाली जितनी भी एपिसोड्स हैं वो एक दूसरे से आपको इंगेज कर देंगी। हीरा सोमरो ने बस लास्ट में इतना ही कहा कि आप ड्रामा सीरियल तेरे बिन की पूरी टीम पर और राइटर पर भरोसा रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद भी आप क्या सोचते हैं तेरे बिन के आने वाली 47 एपिसोड में क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन के जरिए से लाजमी बताएगा। आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलती हूँ किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।